हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हो रही है कहीं जाने की तैयारी, और कहीं जाने की तैयारी से पहले करनी है उसकी तैयारी। तो चलिए जी, कहाँ जा रही हूँ देखते हैं। तो मैं जाकर आ चुकी हूँ, और मैं गई थी अपनी सोसाइटी की मार्ट। मार्ट जाने का क्या मकसद है और क्यों गई थी और इतनी सारी शॉपिंग किस लिए की है, ये आपको वीडियो में आगे जाके बता ही दूंगी। और आपको वैसे भी वीडियो की टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो देखिए जनाब, बहुत ही मज़े का कुछ सामान लेकर आई हूँ। तो ये सारा सामान मैं क्यों लेकर आई हूँ, ये सारा सामान मैं इसलिए लेकर आई हूँ, वी आर गोइंग टू पिकनिक। और आउटडोर पिकनिक जो हमारी ईयरली होती है फैमिली की, वही हमने की थी अरेंज। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। सो पूरे दिन की पिकनिक है। और ये देख लीजिए जनाब, ये मैंने अपना सारा स्टफ़ कर लिया है अरेंज। और ये देखिए क्या क्या लेकर आई हूँ, बहुत सारे टाइप्स के निम्को हैं, शाही डिलक्स का डब्बा है, इसके साथ ही डब्बा खैर इग्नोर करें, इसके साथ ही चिप्स हैं, बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं, जेलीज हैं, बहुत कुछ है। और ये सारा सामान क्यों लिया है, क्योंकि जा रहे हैं पिकनिक पे, और कुछ ना कुछ तो वहाँ मुँह चलते ही रहना चाहिए, उसी से भी हमारी जो है वो आउटिंग का मज़ा हो जाता है दोबाला। तो ये तो है कुछ ये वाला स्टफ़। अब आप देखिए, ये मेरा च्युइंगम का छोटा सा कलेक्शन, क्योंकि मुझे च्युइंगम्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है ट्राइडेंट जो है सिनेमन फ्लेवर में, और ये नोवा है एप्पल फ्लेवर में आई थिंक। और ये वाली बबल्स स्पेशली मेरी सिस्टर मेरे लिए लेकर आती हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे च्युइंगम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये स्पेयरमेंट, पेपरमेंट एंड कुछ फ्रूट के फ्लेवर्स हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये है मेरे पास हॉल्स जो है कि लेमन और मिंट के फ्लेवर में, इलायची फ्लेवर की एक च्युइंगम है क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट फ्लेवर है, बेहतरीन माउथ वॉशनर, स्पाउट्स हैं, ऑक्सीडेंट हैं, और नोवा का एक वाटरमेलन फ्लेवर की भी च्युइंगम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ टू डू लिस्ट, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने भी अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर ली है। पैकिंग स्टफ मेरे पास ड्रेसेस हैं, स्लीपर्स हैं, मास्क हैं, कैप्स हैं, ग्लासेस वगैरह मेरे और बच्चों के बैठ के। इसके अलावा ये किड्स का फर्स्ट एड का सारा स्टफ है, ये फर्स्ट एड पाउच जो मुझे अपने लिए रेडी करना है वो है, लेडीज़ के पर्सनल स्टफ्स हैं, मेकअप पाउच में क्या क्या स्टफ़ रखना है वो सारा मैंने लिख लिया है। इसके अलावा मंचिंग आइटम्स क्या क्या मुझे लेने हैं वो तो मैं सब ले ही आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, आप लोगों को यकीनन नज़र आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। चार्जर्स हैं, लेंसेज हैं, एयरफोन्स हैं, और टिश्यू के रोल, वाइप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे सामान हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें कहीं भी आउटडोर अगर हम जा रहे हैं पूरे दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये सारा जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, अब इसके हिसाब से मैं सारा स्टफ़ कर लूँगी रेडी। तो ये एक बैग है जो मैं कैरी करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने और बच्चों के सारे कपड़े वगैरह ये सब रखने वाली हूँ। ये मेरा एक ड्रेस है, ये ज़ारा का, ये ज़ारा का, ये अहमद का, और कुछ एक्स्ट्रा टाइट्स वगैरह मैंने बच्चों के लिए रखे हैं। अहमद का एक ड्रेस ये है जो ग्रेट शर्ट है, ये बच्चों की ट्यूब्स हैं जो वहाँ पानी में बच्चे खेलने के लिए यूज़ करेंगे। बच्चों के टॉवल्स हैं, एक जीन्स और कुर्ती मैंने वो जो लास्ट में रखी है बैग के साथ वो लिया है ताकि मैं स्विमिंग के टाइम यूज़ कर सकूँ। ये वाला मेरा बैग है, हैंड बैग, और ये सारा जो स्टफ़ है ये मैं इस हैंड बैग के अंदर रखने वाली हूँ। तो एक पाउच मैंने ले लिया है, इस पाउच के अंदर मैं सारा मेकअप स्टफ़ अरेंज कर लूँगी। इसके अलावा सारा स्टफ़ है मैं अलग अलग पाउचेज़ में अरेंज करके उसको एक बैग में रखने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये सारा मेकअप स्टफ़ है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट मेकअप स्टफ़ जो भी आप यूज़ करते हैं, सनब्लॉक है, मॉइस्चराइज़र है, डियो है, और मेकअप फिक्सर है, क्योंकि एक परफ्यूम मस्ट आपको अपने साथ रखना है अगर आप समर के सीज़न में कहीं जा रहे हैं, विंटर में भी परफ्यूम तो मस्ट है। ये वाला मैंने लिपस्टिक की किट रख ली है क्योंकि इसमें सारे ही शेड्स हैं, और पिकनिक वगैरह पे थोड़े से न्यू कलर के शेड्स अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये देखिए जनाब, ये मैंने लेंसेज की इमरजेंसी किट ले ली है क्योंकि मैं सारा लेंसेज पाउच, तो जना पाउच करना क्या ही मुश्किल था, तो मैंने ये ले ली है लेंसेज की ट्रैवलिंग किट, कभी आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दूंगी। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हैं, प्लकर है, और ये सब एसेंशियल्स, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, और इस तरह से इसको पैक में ही रखें तो बेटर होगा। और टेंट है, ये वेट वाइप्स हैं, एक जो है वो लिप बाम है, फेस पाउडर और फाउंडेशन, इतना ज़्यादा तो हम यूज़ करते भी नहीं हैं मगर ले ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए वेट वाइप्स का अलग से एक पैकेट कैरी कर लिया है, ये एक टिश्यू रोल भी मैंने रख लिया है। इसके अलावा जनाब, ये बच्चों की वाटर बॉटल है, ये रास्ते के लिए मैं रखने वाली हूँ, और जहाँ भी बच्चे जाए पानी कैरी कर सकते हैं साथ, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है और बच्चे घूमेंगे फिरेंगे तो डेफ़िनेटली उनको ज़रूरत पड़ेगी।
तो नेक्स्ट है जी मेरे पास ये हैंड सैनिटाइज़र, आपको पता है ये तो मस्ट है। इसके अलावा मैं एक छोटा सा ले रही हूँ सोप बार डेटॉल का, क्योंकि इसकी भी नीड वहाँ पर होने वाली है। थोड़े कुछ शैम्पू के साथ एक राइटिंग पैड, एक पेन, इसके अलावा एक छोटी सीज़र, चार्जर, ये मेरी एप्पल वॉच का चार्जर है, ये भी मैंने कैरी कर लिया है। इसके अलावा क्योंकि नीड में भी हो जाए, वैसे नहीं होगी, मैं चार्ज करके ले जाऊँगी। टिशू पेपर्स हैं और मास्क हैं, एक कॉम्ब है और मेरा ग्लासेस का पैक है, बॉक्स है जो मैं रखने वाली हूँ। इसके अलावा एक ये छोटा सा बॉक्स है, ये भी आप लोगों ने मे बी लास्ट ईयर वाली वीडियो में देखा होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे पिंस, एक सुई धागा और सम रबर बैंड्स, ये सब कुछ मैंने रख लिया है। मैं इस तरीके से स्टफ़ कैरी करती हूँ कि अगर मुझे नीड हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी और को भी नीड हो तो वो ईज़िली मैं उसकी हेल्प कर सकूं। और ये मेरा है वॉलेट, और वॉलेट रखना तो ज़रूरी है, और ये इयररिंग्स मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं कि ये वाले ड्रेस के साथ अगर मैं चेंज करना चाहूँगी तो कर लूँगी। बाय द वे मेरा भी नामना का बहुत अच्छा स्टिच ड्रेस है, और ये मैंने एक बॉक्स रखा है एयर टाइट, इसके अंदर सारी मेडिसिन कैरी कर लूँगी। फर्स्ट एड बॉक्स है, इस्पाकोल है, कैल्सी है, और एसिडिटी की टैबलेट्स, बैंडेड्स और मेरे दाढ़ के दर्द की टैबलेट्स, ये सब कुछ। तो जनाब ये सारा स्टफ है, तो बजाते हैं चुटकी और करते हैं इसको जादुई चुटकी से पैक, 1 2 3। अभी तो वो पैक हो गया है, अब नेक्स्ट यहाँ पर अभी मेरे देवर लेकर आ गए थे एक कर्लीज चिप्स का कार्टन। तो चलिए जनाब अब करते हैं इसको ओपन, और पहले से मैं काफ़ी मंचिंग आइटम्स जो है वो कैरी कर चुकी थी, बट ये देवर ले आए थे क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बच्चों को और हमें सभी को, और मुझे लगता है कि सभी को चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, फेवरेट होते हैं। तो देखिए जनाब ये कार्टन मैंने कर लिया है ओपन, और इसके अंदर आई थिंक काफ़ी देर बाद मैं हुई हूँ कामयाब। तो इसके अंदर आई थिंक 40 पैक्स थे, 45, पता नहीं मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 50 पैक्स थे आई थिंक। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर था, मसाला फ्लेवर कर्लीज में, और बहुत ही यमी था, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो जनाब ये भी रख लेते हैं बैग में, और ये देखिए मेरा दोनों बैग्स हो गए हैं पैक, और यस 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 आई एम सो एक्साइटेड, बल्कि सिर्फ मैं नहीं पूरी फैमिली है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग पहन के क्या जाने वाले हैं। तो ज़ारा पहन रही है ये ज़ारा कलेक्शन की, ज़ारा किड्स कलेक्शन की डांगरी, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि ज़ारा के स्टफ़ लिया करें, बहुत अच्छे होते हैं और लॉन्ग टाइम जो है वो चलते हैं। अहमद ने गैप डेनिम जीन्स का ये वाली डांगरी, मैंने ये दोनों डांगरीज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और स्पेशली पिकनिक के लिए मैंने मंगवाई हैं। सो इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाजमी लाजमी शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो जनाब ये अहमद की है टी शर्ट जो इस डांगरी के साथ अहमद पहनने वाले हैं, और ज़ारा की है ये टी शर्ट क्योंकि ये वाला पिंक कलर ज़ारा की डांगरी में आ रहा है, जो बॉटल्स बनी हुई हैं पिंक कलर की। सो ये एंड ये वाला येलो कलर भी आ रहा है, सो ये दिस इज़ ओके फॉर इट। तो जनाब ये तो हो गई, और ये मेरे हाथ पे लग गई है थोड़ी सी, बट इट्स ओके। और ये है जनाब हमारा ड्रेस, और हम कुछ चेंज करने वाले हैं, मैं कुछ चेंज ड्रेस इस दफ़ा पहनने वाली हूँ। ये है मेरा गुची कॉपी स्कार्फ़, और सिल्क का बहुत ज़बरदस्त था, और मैंने लिया था स्पेशली अपनी आउटिंग के लिए कुर्ता शलवार, और सब मुझे मोस्टली लोग कह रहे थे, और मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तभी मैंने ये ले ली। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।